फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ वैलेंटाइन डे पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ऐसे भी वैलेंटाइन डे आने वाला है 14 फरवरी। सो अच्छा लगा। अब ये मेकअप लुक ऐसा नहीं है कि आप पार्टी वैलेंटाइन डे या समथिंग ऐसा ही कुछ, अभी जो भी आप शादी में भी जा रहे हो, पार्टी में भी जा रहे हो, तो आप आसानी से इजिली कर सकते हो, आराम से ये मेकअप लुक कर सकते हो। जो फ्रेंड देखिए, जो मुझे आता है, जो मैं खुद के लिए मैं जो कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, जिनको जिनको कुछ तो उनकी ज़रूर हेल्प होगी बहुत। तो ये सिंपल पार्टी मेकअप लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आपको आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड, मेरे चैनल पे कुकिंग जो भी चीज़ें मिलती है बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मिलती है। क्योंकि लुक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को कंटिन्यू करें। ना करते हुए चलिए हम अपना मेकअप करना अब स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आपको क्लीन कर लेना। देखिए, मैंने भी कर लिया। इसके बाद से हम रोज़ वाटर लगाएंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। पहले लिप बम लगा लेना है, मैंने भी लगा लिया, जिससे आपकी लिपस्टिक का कलर बहुत ही अच्छे से आएगा। तो ये हमारा मॉइस्चराइजर के लिए मैं एलोवेरा जेल यूज करूँगा आपको। और अच्छे से चारों तरफ मिला लेना है। एलोवेरा जेल एक अच्छा सा प्राइमर का भी काम करता है, जिससे आपका फाउंडेशन कोई भी मेकअप अच्छे से ग्लाइड होकर अच्छे से आपकी स्किन में एडजस्ट होता है। मिलाकर हम कुछ सेकेंड के लिए अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आज हम पहले अपना आई मेकअप शुरू करेंगे, आईब्रो अपना फिल करेंगे। इससे आपको अपने आईब्रो को अच्छे से ऐसे पुल आउट करके ऐसे से ब्रश कर लेना है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। जिस इस जो मैबलिन का आई शेडो, न्यूड आई शेडो पैलेट है मेरे पास, तो इसमें फ्रेंड जो भी देखिए, मैंने ब्राउन बहुत ही ज़्यादा यूज किया है। तो ये जो ब्राउन है हमारे पास, तो इसी से मैं अपना आईब्रो फिल करूँगी। अच्छे से लगा लीजिए कंसीलर पहले, जिससे आपका ये जो आई मेकअप है ना, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करेंगे वो अच्छे से बैठेगा और फटाफटा दिखने लगता है ना, वो नहीं होगा कि मेकअप नहीं दिखे, इसलिए आपको कंसीलर यूज करना है। थोड़ा सा आप नीचे भी लगा लीजिए। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में इसका पानी को इसको निकाल लीजिए। इसके पास से ये अच्छे से आपका ये जो है ना, अच्छे से आपका एक सेट हो जाएगा, जिससे हमारा जो हम आई मेकअप करेंगे ना वो अच्छे से निखर कर आएगा। मैबलिन का फेस पाउडर ले रही हूँ, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आपको हेल्प हो। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना, जो भी बेसिक ये सारे प्रोडक्ट हैं लोगों के पास होते ही हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, तो बस इससे हम अपना कंसीलर को थोड़ा सा फेस पाउडर से या लूज पाउडर जो भी आपके पास हो उससे आप सेट कर लीजिए। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हमें सेट कर लेना है। ये कलर बार का मेरे पास पैलेट है, तो इसमें से हम इसमें से जो ये कलर है ना, ये वाला, तो ये मैं पिक करूँगी। फ्रेंड, ये पहले लाइट कलर है ना, तो पहले हम अपने क्रीज तक यहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। मैंने अपना ट्रांजिस्टर जो भी क्रीज तक मैंने थोड़ा सा कर लिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद से इसी पैलेट में से जो थोड़ा सा डार्क कलर है ना, डार्क ब्राउन नहीं, रेडिश टाइप का है, बट फिर भी हम ये यूज़ करेंगे। इसी को हम थोड़ा सा लाइट में यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे। इसके बाद इसको लेकर हम अपने क्रीज के नीचे इधर तरफ से ऐसे करके आपको मिला लेना है, आप देख सकते हैं। पहले आपको लाइट कलर लेना है क्रीज पर या ट्रांस यहाँ पर आपको पुट करना है, उसके बाद से उसके नीचे थोड़ा सा डार्क कलर करना है, उसके बाद से लाइटर आउटर कलर पर थोड़ा सा डार्क पुट करके पुटर करना है, और इनर में आपको लाइट लेना है। जो भी कलर आपको पसंद हो आप इसी स्टेप से कर सकते हो। तो इसमें से मैं थोड़ा सा ये जो डार्क कलर है, ये बरगंडी कलर है, चूल्हे कर यहाँ पर बस थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अच्छे से आपको ब्लेंड करना जरूरी है ताकि केकी ना लगे, सॉफ्ट लुक है, ऐसा नहीं लगे कि आपने कलर को वहाँ पर रख दिया। बस ये फ्रेंड ये मिस क्लियर का मेरे पास है, ये सारी चीज़ों का मैं लिंक दे दूंगी। तो इसमें से ना थोड़ा सा आपको अपना हाथ में कुछ भी है थोड़ा सा वाटर ले लीजिए। इसमें ग्लिटर है ना, ये अच्छे से आपके आई शेडो आई कलर पे आएगा। तो देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा ले लिया, उड़ करिए, मैं चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। बट आई शेडो हमारा ये कम्प्लीट हो गया। इसी तरीके से आई को आई कर लेना है कि हमारा दोनों आई कंप्लीट हो गया। इसी स्टेप से आपको अपना दोनों आई कंप्लीट कर लेना है। हम मैं लैक्मे का आई लाइनर लगाऊंगी, जो भी आपके पास आई लाइनर आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं
पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं, आपको पतला मोटा वी नायलाइनर जैसा भी आपको पसंद हो। तो दूसरे आई में भी हम लगा लेंगे का आईलाइनर को थोड़ा विंग बाहर की तरफ निकालने के लिए। तो बस यहाँ पे आपने जो किया उसको ऐसे करके थोड़ा सा आपको फूल कर लेना है। तो ये मैं एलिटिन का काजल यूज कर रही हूँ। काजल को थोड़ा सा, इसके बाद हम काजल को थोड़ा सा आई साइडों से लग करेंगे जिससे हमारा काजल नीचे तक फैले ना, नहीं थोड़ा आई में जो भी हमने मेकअप किया ना उसका लिटिल इफेक्ट दूंगी। तो मैं ये जो डार्क वाला है ना, डार्क कलर जो बर्गंडी कलर, तो मैं ये यूज करूंगी। बस थोड़ा सा आपको ब्रश में लेना है, उसके बाद से आपको आईब्रो इसी पर ऐसे ऐसे नीचे से कर लेना है। हम मस्करा लगाएंगे, तो ये इनसाइड का मस्करा है मेरा, मस्करा लगा लेंगे। इस मेकअप करेंगे इसके लिए फिर ये बस ब्लू हेवन का मैं पहले प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी एक अच्छा प्राइमर का काम करता है, जिसका चारों तरफ ऐसे ऐसे आप निकल लीजिए। इससे होता है ना, प्राइमर इसलिए होता है ना जो आपका देर तक स्टे करता है और आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। सो आपको प्राइमर लगाना जरूरी है। फाउंडेशन लूंगी मैं, फिर आपको इस तरह से डॉट डॉट बनाकर लगा लेना है, आपके स्किन में अजर्ब होता है। और ये मतलब होता है ना कि बहुत बार आपने लगाया होगा तो देखा होगा कि हमारा फाउंडेशन फटा फटा लगता है कि अलग से हमने क्या स्किन पे कुछ लगा दिया। इस तरह से करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा, ये अच्छे से फाउंडेशन आपके स्किन के साथ मैच हो जाएगा और मिल जाएगा। सो इसलिए हमें गीला करके ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें। अब इसको आपको चारों तरफ पैट पैट करके अच्छे से मैच हो गया है ना, ये अच्छे से फाउंडेशन हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। थोड़ा भी कुछ नहीं लग रहा है कि हमने जो भी लगा, ये थोड़ा देर में अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये थोड़ा देर में आप ऐसे अच्छे से आपको चारों तरफ आपको ना इस तरह ही लगाना है ताकि जहाँ पर फाउंड जो चीज़ आपने लगाई है वहीं पे प्लेस हो, नहीं तो ऐसे ऐसे करेंगे ना तो इस एरिया से लीजिए। इसलिए आपको इस हिसाब से करके लगाना है। फेस पाउडर का यूज़ करेंगे तो फेस पाउडर फिर ज़्यादा मैं चारों तरफ नहीं लगाऊंगी, हम ये फेस पाउडर यहाँ पर हम लगाएंगे आई के नीचे थोड़ा। आप भी सेट कर सकते हो लेकिन मैं चारों तरफ नहीं करूँ, जहाँ पे ना जहाँ ज़्यादा फटने का डर होता है ना कि क्रीज क्रैक हो जाता दिखता है, तो बेसिकली हमारा आई के नीचे नोज पर और इधर ही होता है। सो एक बार लाइटली से इधर भी मैं चारों तरफ सेट कर लूँगी। थोड़ा कंटूर हम करेंगे जो इसी साइड में जो ब्राउन शेड है ना, इसको हम लेंगे ईयर से लेकर ऐसे बस यहाँ पर। ये मैंने थोड़ा सा किया, मुझे ज़्यादा नहीं करना। ये करने से होता है ना आपका स्किन थोड़ा सा, बस थोड़ा थोड़ा मैं चारों तरफ करूँगी, मुझे ज़्यादा नहीं करना। मैंने भी थोड़ा थोड़ा लगा लिया, आपको अच्छे से ऐसे करके मिला लेना है ब्रश से। नहीं मिला ना जहाँ पे आपने लगाया है ना वहीं पे बस करेंगे, इसे थोड़ा सा हम सेप देंगे। का ब्लश लगाऊंगी है मेरे पास, तो ये हमारा ब्लश भी कंप्लीट हो गया। तो अब मैं हाइलाइटर लगाऊंगी, ये रेवलॉन का मेरे पास हाइलाइटर है, जो मेरे पास है प्रोडक्ट बहुत पहले से ये सारी चीज़ें, तो मैं वही यूज कर रही हूँ। तो मैं एक इसमें बहुत सारे शेड अलग अलग एक साथ मैं एक पिक नहीं करूँगी, बस आपको ब्रश लेकर बस मैं ऐसे करूँगी। इसको थोड़ा सा डैप कर लीजिए एक्स्ट्रा है तो, बस ये जहाँ पे आपने ब्लश लगाया ना जस्ट उसके ऊपर लगाना है चिक बोन पर, देखिए ऐसे लगा लेना। इसी तरीके से हम दोनों साइड लगा लेंगे। फिर थोड़ा सा हाइलाइटर हम इधर थोड़ा सा काम करेंगे हाथ से लेकर मैं यहाँ पर थोड़ा सा, थोड़ा सा नोज पर भी हम सेंटर पर यहाँ पर लगाएंगे। अब फिर लास्ट में हमारा लिप्स हमें करना है, लिपस्टिक हमें लगानी है।
जैसे हमारा आई मेकअप बहुत ज़्यादा सटल है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, उस हिसाब से हम लिपस्टिक लगाएंगे। तो लिपस्टिक हम इसके कंपेयर में थोड़ा सा हम डार्क रखेंगे। अपने लिप को शेप दे दीजिए। लिपस्टिक लगाने के लिए पहले हम के बाद लिप को इसी से लिप फिल कर लेंगे, जिसका ब्लू हेवन का मेरे पास लिपस्टिक है फ्रेंड, चेरी चेयर। तो मैं इसके ऊपर से इसको अप्लाई करूंगी। मेकअप लुक वेलेंटाइन डे के लिए या किसी भी पार्टी में जाने के लिए रेडी है। तो फाइनल लुक के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। इस चैनल पे आपको कुकिंग से रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगे सारे, तो एक बार मेरे चैनल को जरूर चेक करें। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा इजी ग्लैम पार्टी मेकअप लुक रेडी है। तो आप तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है करना, अभी आप आराम से कर लेंगे। ज़्यादा अच्छा मेकअप नहीं आता, मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि जिनको नहीं आता उनकी तो हेल्प पक्का होगी। ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जैसे कोई और आपके फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो जिनको नहीं आता होगा, उनकी जरूर हेल्प होगी, उनको वीडियो ये जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।